नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं आपका पिनू बना वापस आपके साथ हूँ नए व्लॉग के साथ यूट्यूब पे। तो आज हमें तूर जी का जालरा तो अपन इन जालरों को देखकर ये बता सकते हैं कि जो वहाँ की रानी थी, महाराणा थी, महलों की रानियाँ थी, वो केवल राजघरानों में ही निवास नहीं करती थी बल्कि शहर की प्रजा के लिए भी कुछ न कुछ कार्य करती रहती थी। जैसा कि हमने पहले ब्लॉग में देखा, चांद बावड़ी है, रानी सर है, पदम सर है, उन्होंने कई प्रकार की बावड़ियाँ और इनका निर्माण कराया ताकि शहर की प्रजा के लिए पानी की पूर्ति हो सके। सो महाराजा अभय सिंह जी की जो पहली रानी थी तूवर जी, उनके नाम पर जो ये तूर जी का जालरा या तूर जी का या तूवर जी का जालरा, जिसको भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, तो ऐसा बोलते हैं कि जब महाराजा अभय सिंह जी युद्ध में शहीद हो गए, वीरगति को प्राप्त हुए, तो महारानी सा उनके पहले उसके बाद सती होने जा रही थी। तो सती होने से पहले भी वो यहाँ पर पहले पहुँची और उन्होंने इसका निरीक्षण किया और कारीगरों की काफ़ी प्रशंसा की और बोला कि वैसे तो जैसे मैंने निर्देश दिए थे वैसे ही बना है, पर इसमें एक कमी रह गई। तो कारीगरों ने उनसे पूछा कि क्या कमी रह गई हुक्म, तो उन्होंने बोला कि इसको थोड़ा ऊपर उठाकर बनाया गया है, तो यहाँ से जो मुख्य पशु है, जानवर है, वो यहाँ से पानी कैसे पियेंगे। तो उन्होंने ये आदेश दिया कि मेरे जाने के बाद भी यहाँ पर एक जानवरों के लिए पानी पीने की व्यवस्था की जाए। तो उसके आदेश के अनुसार बाहर एक पानी पीने के लिए जानवरों के लिए व्यवस्था की गई। तो रानियों का ये व्यवहार बताता है कि उनका मुख्य पशु और जानवरों के प्रति भी कितना निर्मयी भाव था और उनके लिए भी वह लगातार कितने कार्य करते रहते थे। तो चले चले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी भरे ने या तो चले चले आ तो चले चले पानी नी पानी यार सा जावा जावा पी भरे ने। और जैसे जैसे जोधपुर का निर्माण बढ़ा, यहाँ पे सड़कों का निर्माण हुआ, तो 19 अप्रैल 1929 को समथिंग यहाँ से मैं इस तूर जी के जालरे का एक कोना तुड़वा दिया गया और उसके बाद से एक जो यहाँ का कॉर्नर है वो कट हो रखा है। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ से तूर जी का जालरे के बाद गुलाब सागर, जो यहाँ से 5 से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो लेट्स वॉक द गाइस। तो अभी हम जहाँ पे है इसको बोलते हैं गुलाब सागर, जो महाराजा विजय सिंह जी की पत्नी उप पत्नी गुलाब राय के द्वारा बनवाया गया, इसलिए इसका नाम गुलाब सागर पड़ा। और जिस पुल पर अपन जा रहे हैं, जो उनके जो पुत्र थे तेज सिंह जी, उनकी याद में बनवाया गया था और इसीलिए उसी के पास में बनाया है छोटा सा इसका तालाब, जिसको गुलाब सागर का बच्चा भी बोलते हैं, जो तेज सिंह जी की याद में बनवाया गया, इसलिए इसको तेज सागर बोलते हैं। और जो पास में बड़ा है इसको उमेश सागर बोलते हैं। ऐसा बोलते हैं कि महारानी सा खुद पार्क में बैठकर इसका निरीक्षण करने आती थी और इसका निर्माण कार्य देखती थी। नगरवासियों की पानी की पूरी सप्लाई के लिए यहाँ के महारानी ने ये काम किया। तो उसके बाद यहाँ पे पानी की सप्लाई के लिए अलग अलग जगह से नहरों का निर्माण किया गया। जोधपुर के कागा की पहाड़ियों से नहरों का निर्माण किया गया। उसके बाद जब महाराजा जसवंत सिंह जी का शासन था, तो उन्होंने बालसमंद झील से यहाँ तक की नहरों का निर्माण किया, जिसके मात्र 1 फुट पानी से इसका पूरा पानी का भरा हो जाता और शहरों के जो आम जनता थी, लोग थे, उनको पूरा पानी की पूर्ति हो जाती थी। और इसकी गहराई कम से कम 30 फीट है। गुलाब सागर देखने के बाद हम जाते हैं क्लॉक टावर सरदार मार्केट, जो यहाँ से सिर्फ 5 से 7 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। चलो तो नाउ वी आर हियर द सरदार मार्केट, क्लॉक टावर, घंटाघर, जिसके अलग अलग नाम है। दिस इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ जोधपुर, जहाँ पे 17,000 से भी ज्यादा शॉप्स है और यहाँ पर पेन की निब से पेन की जिप तक सारा सामान उपलब्ध है।
सो नाउ वी आर एट द बाबा आर्ट एम्पोरियम, दिस इज द बेस्ट ऑफ द क्लॉक टावर, जिसे ऐसा बोलते हैं कि यहाँ से मिक जैगर ने 68,000 पाउंड की शॉपिंग की थी ओनली ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट आइटम। और मैं आपको बता दूं कि ओनली ऑन जोधपुर के हैंडीक्राफ्ट मार्केट का ये सालाना बाजार 17,000 करोड़ रुपए का सिर्फ जोधपुर का हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है। तो बाबा आर्ट एम्पोरियम में हम यहाँ पे आए और इन भैया ने हमारी यहाँ पे बहुत मदद की। तो आप जब भी यहाँ पर घंटाघर पधारे तो यहाँ आए और शॉपिंग करें, और यहाँ का स्टाफ बहुत ही बढ़िया है और आपका पूरा सपोर्ट करेगा। ये जो बिल्डिंग है क्लॉक टावर, ये महाराजा सरदार सिंह जी के द्वारा बनवाई गई, 1910 में इसकी नींव रखी और 2 साल में 1912 तक इसका निर्माण पूरा हो जाएगा। इस घड़ी की ये खासियत है कि यहाँ पे इसमें जो घड़ी लगी है वो मुंबई की एक स्पेशल कंपनी द्वारा बनाई गई है, और इस घड़ी के अंदर ऐसा वो 10 किलो की चाबी लगती है और उसे हर हफ्ते चार्ज किया जाता है, और एक स्पेशल पर्सन जो सदियों से मतलब उनका खानदानी धंधा है इसको मेंटेन करते हैं, और अभी ये नगर निगम के अंदर में है। जोधपुर में ऐसा बोलते हैं कि अगर आप घंटाघर नहीं आया और अटारी लस्सी नहीं पी तो फिर कहाँ ही करे, तो आओ चलते हैं मिश्री लाल जी। व्लॉग अपन का यही ख़त्म होता है, और मैं हूँ नियर द क्लॉक टावर राजू नमकीन में, और प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, और जल्दी मिलेंगे जोधपुर के नए वीडियो में। हम एंजॉय कर रहे हैं यार, आप भी करो। तो चले चले पानी नी पानी यार सा जावा जावा फीवर ने, या तो चले चले तू चले चले पानी नी पानी यार सा जावा जावा फीवर ने, या तो चले चले।